हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेकीएस के। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो में आप स्क्रीनशॉट कैसे कैप्चर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले वॉल्यूम डाउन बटन, जिससे हम फ़ोन की आवाज़ को कम करते हैं, और पावर बटन, जिससे हम फ़ोन को स्विच ऑफ करते हैं या फिर फ़ोन की स्क्रीन को ऑन ऑफ करते हैं। आपको इन दोनों को एक साथ प्रेस करना है तो स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा। चलिए मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये मैंने दोनों बटन्स को प्रेस किया और आप देख सकते हैं कि स्क्रीनशॉट कैप्चर हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्क्रीनशॉट जो है वो कैप्चर हो चुका है। और दोस्तों, अब मैं आपको इसके दूसरे तरीके के बारे में बताती हूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले 3 फिंगर्स को ऊपर से नीचे की ओर स्क्रॉल करना है तो स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा। चलिए मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये मैंने 3 फिंगर्स को ऊपर से नीचे की ओर स्क्रॉल किया और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्क्रीनशॉट कैप्चर हो चुका है। तो ऐसे दोस्तों, आप अपने फ़ोन इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो में स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं।